इंतजाम कर रही है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी देवियों और उनके साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, प्रेम भरा नमस्कार। और आप सभी की तरफ से मुझे दंडवत प्रणाम। अरे मैं तो आदित्य छूने की कोई जरूरत नहीं लगता कि आपके पैर नहीं छूना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, आने में जरा विलंब हो गया। और दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम हमारी धर्म पत्नी जया जया बचपन के साथ कुबेरेश्वर धाम की यात्रा के लिए गए थे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोगों को सॉरी, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ क्यों झुंड बनाकर इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बारी वाले छात्रों का फेयरवेल है। आप सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने इस नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्कूल के सुहाने सफर से निकल कर। उसके लिए मेरी आप सभी के लिए कह रही है कि आज इसका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे चिटी। समय समाप्त, ऊपर वाले का क्रम देखिए, कब आई थी बर्थडे के दिन निकल गई। इस चीज से हमें एक बात सीखने को मिलती है, इस बात से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर किसी चींटी का बर्थडे हो तो उसके लिए दूर से ताली बजाइए, कहीं आपकी ताली में चींटी ना आ जाए। बच्चन आप ही है ना? नहीं, चलो एक फोटो फोटो चाहिए आपको, फोटो फोटो चाहिए आपको, 20 रुपया फोटो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता क्योंकि आज तो उनको फेंकता ही नहीं है, फेंकता ही नहीं है। और इतिहास गवाह है कि जब जब जमीन पर पैसा गिरा है मैंने फटाक छोटा के जेब में रख लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, इतना पैसा है 20 रुपए के लिए लड़े जा रहे हो? अभी पापी पेट का सवाल करना पड़ता है। ये सब पैसा वाला नहीं पकड़ा, ये सब तौसली वाले के पास है। मैं तो यही टाउन हॉल के चौथे पिलर के नीचे रहता हूँ। चौथे पिलर के नीचे क्यों भाई? शासन परंपरा प्रतिष्ठा के हमारे तीन स्तंभ है, इसलिए चौथे पिलर के नीचे मैं रह लेता हूँ। और भैया कैसा रहा आप लोगों को ये हमारा हास्य अभिषेक? अरे वो हास्य अभिषेक नहीं, हास्य विनोद होता है। अरे मेरा तो अभिषेक ही है, मेरा तो अभिषेक ही होगा। अरे इनका तो अभिषेक ही है। चलो वो सब तो ठीक है, क्या आपने मुझे चिट्ठी लिखी थी क्या? चिट्ठी चिट्ठी 100 से अधिक सौंदर्य से भरपूर सुंदरियों को छोड़कर मैं इस पोकेमॉन जैसी शक्ल पर चिट्ठी लिखूंगा। अरे पर आप तो सनी देओल का डायलॉग बोल रहे हैं। तो तू क्या चाहता है, एक इंसान एक बार में कितने लोगों की आवाज निकालेगा? हमारा सनी देओल बाहर निकल गया था गलती से, माफ माफ। अरे पर आप हो तो नकली। हूँ मैं नकली पर कोई भी इंसान अपने घर से नकली बन के नहीं निकलता साहब। नहीं, नकली बनाते हैं उसे स्कूल, उसे ये और ये सामने भेजे लोग। चाहो 40 आदमी का सेल लेकर आओ,
आप देखिए मत सर, अच्छा नहीं होता है, मेरा ड्रामा का पार्ट है, आप देखिए मत सर। क्या उस आदमी का साइन लेकर आदमी ने मुझे ये नकली बूट पहनने पर मजबूर कर दिया। इतनी गर्मी लग रही यहाँ पर। रुकिए तो, पर किसने क्या साइन मांगे आपसे? वे फालतू बच सकते तू ये बात करो उससे। पर मैं तो यही कर रहा था कि इतना अरे रे 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 हाइट हाइट हाइट, पर वो सब तो ठीक है कि ये आपकी हाइट को क्या हो गया? ये लालो खड़े होकर बोलना तुम्हें। अरे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग। नहीं सही अब बताइए ये आपकी हाइट को क्या हुआ? हाइट की बात पर भी कौन नौचे रहा है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम पिछले महीने हिंद महासागर में डुबकी लगाने गए थे। तो लेकिन आपकी डुबकी से हाइट का क्या लेना देना है? वो नीचे का हिस्सा जो था वो सार पे लेके चला गया। क्या सार पे लेके चला गया? कैसे ले गया? अरे वो ले गया तो ले गया, इतना तो बचा है चलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रैपर कौन है इधर? अरे भाई साहब आपने रैपर उठा के अपने हाथ बंद कर लिए। अरे पर हमारे उसूल है, हमारे परंपरा तो हमें यही बताते हैं कि जितना भी जो कचरा होता है हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। ये तुम्हारे आदर्श, इसके तुम्हारे उसूल, किस काम के तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल, जिन्हें खोल कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। जाओ या भाई तुम हो या भाई हम दोनों इसी कॉरिडोर से उठे थे। अच्छा आज मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज है, US में नौकरी है। अच्छा। और मेरी सगाई भी हो चुकी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक मिनट रुकना जरा, निकल गया। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास ये जया बच्चन जी का नंबर है, मैं बोलने जा रहा हूँ कि तीसरी सगाई करने जा रहा हूँ। कौन दी जाना? आप फोन ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जया जी रेखा जी को लेकर पहले हमसे बहुत नाराज है। अच्छा। अगर मैं तीसरी वाली को पता चला तो वो हमारी लाइफलाइन तोड़ देंगी। चलो ठीक है, नहीं करते हैं। तो ऑडियंस बताओ आप सभी को हमारे हाथ से विनोद कैसा लगा? एकदम ही चलो, पर मैं तो ना, मैं आपका फैन तो हूँ। फैन आपका फैन क्या है? हमारे फैन है। एक मिनट आपको हवा आ रही है? नहीं, हवा तो अभी भी नहीं आ रही। पैसा तो मैं क्या इतनी देर से मदीना ठोक रहा था? एक मिनट, आलू 20 रुपए किलो, अदरक 8 रुपए किलो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अपनी महंगाई से बातें कर रहा हूँ मैं और मेरी महंगाई अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर अदरक न होती तो हम चाय कैसे पीते और अगर गाजर न होती तो हम लस्सी कैसे पीते। अरे तो आपकी गाजर से लस्सी का क्या लेना देना है? तब हम मार्केट में गाजर लेने जाते हैं तो लस्सी पीकर वापिस आ जाते हैं। अरे तो गाजर लेने क्यों जाते थे आप? तब हम लस्सी पीने जाते हैं तो गाजर लेकर वापिस आ जाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन लाइफ में जो भी हुआ मैं आज भी पैसे वो पैसे नहीं उठाता। अरे सर ये डायलॉग तो हो चुका है ना ऑडियंस, हो गया ना ये डायलॉग? हो गया। तो लेकर सकते हूँ, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगा। अगर आप लोगों को हम दोनों गरीबों का ये हास्य नाटक अभिषेक कॉट, मेरा अभिषेक है, हास्य अभिषेक पसंद आया हो तो इस QR कोड पर हम दोनों गरीबों के लिए अपने धनराशि दे सकते हैं।
राज मेरा नहीं है भैया, आप स्कैन करने लगे। अरे एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। राधे 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 राधे। अरे रुक जाओ, अरे रुक, मुझे तो इनका ये हास्य अभिषेक बिल्कुल पसंद नहीं आया, बकवास लगा बिल्कुल। क्या कहा तुमने, पसंद नहीं आया? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। बंदे कुटल की घोषणा, अब मैं ऑडियंस से पॉइंट लेकर तेरी लाइफ नहीं दूंगा। एक मिनट एक मिनट रुक। अरे ये क्या कर रहा हूँ, कबड्डी नहीं, नहीं चल मेरे भागना।